नवीन कुमार मित्तर मैं अभी सक्सेसफुली एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करके आया हूं एज वेल एज एम बेस कैंप और ये मेरा तीसरा सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू एवरेस्ट बेस कैंप सर इससे पहले आप शौक ही होता है शौक कैसे पैदा हुआ कैसे शौक मुझे शुरू से ही वो माउंटेन uh, से प्यार था हिमालय से ही वो एक अट्रैक्शन थी तो मैंने इसलिए फिर 83 में माउंटेनिंग कोर्स किया था 86 उसके बाद 86 में माउंटेनिंग कोर्स एक और एडवांस होता वो किया था उसके बाद ऑनवर्ड फिर मैंने नेशनल हिमालयन ट्रैकिंग प्रोग्राम के काफ़ी एक्सपडिशन ज्वाइन किए तो उसके बाद फिर मुझे माउंटेन बाइकिंग का शौक़ हो गया फिर मैंने आ, 1990 नाइन्टी में मैं खरदंगला पास गया था और उसके बाद फिर मार्च में खिला फिर मैंने काफ़ी बल्कि ट्रैकिंग की है हिमालयन के जो हाई पासिस हैं तो उसके बाद 2011 में फिर मैं एवरेस्ट स्पेस कैंप गया फिर 2016 में गया अब फिर सक्सेसफुली करके आया हूँ तो ये कितने दिन का टूर रहता है ये अराउंड एबीसी बी सी जो है अराउंड फोर्टीन डेज तो कैसे शौक था जैसे आप जॉब भी करते थे या मतलब अलग हट आप ये टाइम निकाला आपने जाने के लिए बस देखो कहते हैं ना कि हर एक Uh, हर एक इंसान को कोई ना कोई शौक होता है ना तो uh, ऐसे ही मुझे हिमालय घूमने का था हिमालय एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने का था तो इसीलिए फिर मैं हिमालय कीप कॉलिंग वी एंड आई कीप गोइंग uh, कितने दिन का टूर रहता है डिपेंड करता है आपने कौन सा एक्सपडिशन उसके अकॉर्डिंगली आइटनरी तैयार होती है ना जैसे एवरेस्ट बेस कैंप है या अराउंड फिफ्टीन डेज़ का ट्रैक है तो जैसे ऊंचाई होती है सर वहाँ पे सांस की लेने में दिक्कत आ जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम है खाने पीने में दिक्कत आती है हर एक चीज़ महंगी भी मिलती है मैनेज इस तरह होता है कि हमारे जो इंडियन हिमालय में ट्रैक करते हैं वो तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन जो नेपाल हिमालय जो ऊपर जो हायर हाई एल्टीट्यूड है इसका सोलो रीजन बोलते हैं उसको ना तो वहाँ पे क्या है कि अप्रोच बहुत मुश्किल है वहाँ पे एक एयरपोर्ट है लुकला एयरपोर्ट तो सभी जो ट्रांसपोर्टेशन है पहले लुकला पहुँचती है लुकला से ऑनवर्ड वे जो उनका लाइफ लाइन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो है शेरपा पीपल और याक जो यहाँ का एनिमल है तो उनकी कॉस्ट जैसे सपोज एक सिलेंडर अगर काठमांडू में अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड का है तो वो ऊपर पहुँचते वोचते लास्ट में फिफ्टीन थाउजेंड का हो जाता है कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी तो इसलिए फिर वहाँ पे एक्सपेंसिव है जैसे आप पहले ही बार गए थे और आप तीसरी बार जा चुके हो हम्म हम्म मुसीबतों का दिक्तों का दिक्कतों सामना भी करना पड़ा होगा ऐसे होता है कि कुछ तो आपको पता होता है माउंटेन हैजर्ड्स में हमने क्या क्या फेस करना है हाई एल्टीट्यूड भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया तो अपने आप को बंदा उस हिसाब से तैयारी करता है आपके बॉडी एक्टोराइज करता है प्रॉपर उसको पता है क्या चीज़ फेस करनी है मैंने तो बाकी यह भी होता है कई बार एडवर्स वेदर आ जाता है आप सोच नहीं सकते कि जैसे इस बार हमको रास्ते में काफ़ी स्नोफॉल मिल गया तो लास्ट टाइम नहीं मिला था तो कुछ ऐसे ही होते हैं कुछ चीज़ें अचानक ही आपको जो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको रेडी होना चाहिए भी क्या क्या आप फेस कर सकते हैं उस पर सर हेल्थ की बात की थी आपने जैसे कि आपको कुछ दिक्कत भी आ गई थी हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी जो कैसे आपने मैनेज किया वहाँ पे डॉक्टर ने भी आपको मना किया होगा ऐसे था कि हाँ आपकी बात ठीक है 2016 में मेरे हार्ट की प्रॉब्लम आ गया था मेरी राइट कॉर्नर या आर्ट्री में हंड्रेड परसेंट ब्लॉकेज आ गया था लेकिन क्या है कि आपकी विल पावर बड़ी काउंट करती है तो वैसे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था अभी नो टू गो हायर माउंटेंस तो लेकिन ग्रेजुअली मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज करके प्रॉपर मेडिकेशन को फॉलो करके और डाइट को फॉलो करके Uh, कुछ ब्रीदिंग और योगा एक्सरसाइज आपका वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव किया तो फिर उसके बाद फिर मैं ई बी सी सक्सेसफुली कर रहा हूँ बुक की बात करेंगे कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड में नाम आया है उससे एक पहचान अलग बनी है ओ लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पंजाब में लुधियाना से पहचान बनी है कहीं ना कहीं तो आगे नौजवानों पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हो मेरा मैसेज तो ये है कि आप कोई भी अपना हेल्दी जो आपको हॉबी है कि जो भी आपको अच्छा लगता है इसको आप कभी छोड़ो ना अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फ़िट रखो और कभी भी अपना जो आपको एक अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए जैसे कि मैं अब नाव आम सिक्सटी टू ओल्ड लेकिन अभी भी मुझे पैशन है अपने पहाड़ों में घूमने का हिमालय में घूमने का तो ये ये चीज़ें आपको ज़िंदा रखती हैं कुछ भी चीज़ को आप सीखने की आगे अपनी नॉलेज इनहेंस कीजिए वो चीज़ आपको ज़िंदा रखती है तो नेवर गिव अप